हाँ, तो जो 194A है उसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस, इफ इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस इज अप टू 40,000। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हम किसी कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट खोल के रखे हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। पर वो इंटरेस्ट अगर 40,000 तक है तभी टीडीएस कटेगा। अगर इंटरेस्ट 40,000 से भी कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है, अगर 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है तो ही टीडीएस कटेगा। अगर 50,000 से कम है इंटरेस्ट तो टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट बाय एनी अदर पर्सन अप टू 5,000। कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है तो 40,000 और 50,000। अगर कोई और इंसान से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर 5,000 से ज्यादा होते ही टीडीएस कट जाएगा। तो किस किस चीज में 5,000 तक का लिमिट है? बेसिकली कोई भी और, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। अगर सेविंग बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं और एक साल में 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस कट जाएगा। इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर्स, अगर फर्म पार्टनर्स है तो कट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स रिफंड गवर्नमेंट हमें लेट से देता है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। सोचो हमने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे आप मेरा टैक्स रिफंड दे दो, मेरे को वापस दे दो। गवर्नमेंट वो मुझे टैक्स रिफंड करने में 6 महीना लगा दिया, तो 6 महीना मेरा पैसा अपने पास रखा, तो मेरे को उस अमाउंट के ऊपर मेरे को गवर्नमेंट टैक्स दे इंटरेस्ट देगा। क्योंकि अगर वो पैसा वो मेरे को अभी दे देता तो मैं उसको अपना बैंक में रखते, मेरे को बैंक से इंटरेस्ट मिलता। गवर्नमेंट मेरा पैसा मेरे को दे नहीं रहा है, 6 महीने बाद दे रहा है, तो 6 महीने तक जो इंटरेस्ट मुझे बैंक देता वो गवर्नमेंट को मुझे देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट अगर 5,000 से ज्यादा है तो गवर्नमेंट टीडीएस काट कर मुझे देगा। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब अलग अलग तरीके का बॉन्ड है, ये सब पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट गिवन टू एनी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, LIC, इंश्योरेंस कंपनी, UTI, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फंड, ये कुछ में भी हम लोगों को मिले, सब का सब 5,000 का अगर ज्यादा हो गया है तो इंटरेस्ट हम टीडीएस काट के देना होगा 5,000 से। इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोग एक फंड बनाते हैं, उसमें सभी लोग आके पैसा जमा करते हैं और फिर उन लोगों को एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट मिलता है। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या उसके मेंबर को भी इंटरेस्ट देता है। अगर वो इंटरेस्ट भी है तो भी इंटरेस्ट अगर 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। एक्सेप्शंस टू दिस, पर अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ही कटेगा। याद रहे इन सारे केसेस में अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा। ऐसे ही हम लोग जो बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, उस पे वो लोग कोई टीडीएस नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि हमारा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये कंपलसरी है। इसके ऊपर एक हाई कोर्ट का जजमेंट था 2014 में, ये एग्जाम में आया है। द हाई कोर्ट डायरेक्टेड दैट द डिस्प्यूटेड अमाउंट बी डिस्प्यूटेड डिपॉजिटेड इन अ बैंक FDR। FDR एक बैंक का नाम है, ठीक है, ये एक फॉल्स बैंक है, रियल नाम नहीं है ये। तो एक FDR बैंक है, उसमें हम कुछ रुपया डिपॉजिट किए थे। बैंक इशूड द FDR इन द नेम ऑफ, FDR है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रिसिट, ठीक है। तो हम क्या किए थे, समझ लो एक फिक्स डिपॉजिट लिए थे बैंक के साथ, वो अमाउंट पे मेरा डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे कि हम 50,000 का एक FD लिए, फिक्स डिपॉजिट लिए, उस अमाउंट के ऊपर बैंक के साथ मेरा कोई इशू है। बैंक इशूड द FDR इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट, इट वॉज हेल्ड इन दिस केस। इस केस में क्या हुआ, सिंस द अमाउंट इज डिस्प्यूटेड, जबकि वो अमाउंट डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर झमेला चल रहा है, द एक्चुअल पे इज नॉट एसेंटेबल, पता नहीं चल रहा है कि वो FD आखिर था किसका। जैसे सोचो किसी ने FD कराया और वो भूल गया या उसका डेथ हो गया, उसका कोई लीगल एयर कभी लेने ही नहीं आ रहा है उस पैसे को, तो पेई जो है, पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा वो एसेंटेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है कि वो कहाँ है। एंड द पर्सन इन हुज नेम इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड
रजिस्ट्रार जनरल इज नॉट द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। और बैंक क्या किया, वो रजिस्ट्रार जनरल को के नाम पे उसको, मतलब किसी को तो इंटरेस्ट देना होगा, जब किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम पे उस इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दे रहा है, रजिस्ट्रार जनरल को देते जा रहा है, पर रजिस्ट्रार जनरल टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है क्योंकि वो उसका नहीं है। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो इस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। वंस द हाई कोर्ट डिसाइड्स द ओनरशिप ऑफ द मनी लाइन, जब तक पता नहीं चल जाए ये एफडी असली में किसका था, तब तक ये जमा हो रहा है रजिस्ट्रार के पास, बट रियल में इस अभी तक ओनरशिप डिसाइड नहीं हुआ है कि ये है किसका। इन द फिक्स डिपॉजिट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144 194A विल अप्लाई। तो इसमें 194, अगर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ऐसे 194A अप्लाई होता है, 194A मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट छोड़कर और कहीं से भी इंटरेस्ट मिले और 5,000 से ज्यादा हो, तो उस पे टीडीएस कट जाता है। पर सिर्फ इस केस में ये नहीं हो रहा है, ऐसे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 194A ही एप्लीकेबल है, पर अगर कुछ डिस्प्यूटेड अमाउंट है, ओनर का नाम नहीं पता है, तो टीडीएस नहीं काट सकते क्योंकि किससे टीडीएस काटेंगे। 194B, इसको बड़े लोग से हम डिनोट किए हैं, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब हरकत बड़े लोगों का ही रहता है जनरली, लॉटरी ये सब में विनिंग जो लोग करते हैं, तो इसलिए बी फॉर ये। तो 94B इसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल है, पेयर कोई भी हो सकता है, पेई कोई भी हो सकता है, फ्लैट 30% टीडीएस कट जाएगा, कोई रूल नहीं है, बस याद रखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल होगा तो फ्लैट 30% टीडीएस कट जाएगा 194B के अंदर। बी 194BB के अंदर हम लिखे हैं बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग मतलब जो हॉर्स में पैसा लगाते हैं। अब जो बड़े लोग होते हैं वो लोग तो लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल करते हैं, पर जो बहुत अमीर लोग होते हैं वही लोग जाके हॉर्स में पैसा लगाते हैं, तो सिर्फ हॉर्स में पैसा लगाना है इस 194BB। इसमें पेयर और पेई कोई भी हो सकता है, 30% का टीडीएस कट जाता है, ये याद रहे। दोनों में ही सारा प्रोविजन सेम है, 30% ही टीडीएस है, पेयर पेई कोई भी हो सकता है, विनिंग का नाम अलग अलग है, तो इसमें होगा क्या। तो हम एक साथ दोनों सेक्शन का लिखवा दिए हैं, होगा क्या, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इफ विनिंग अमाउंट अप टू 10,000। दोनों में ही ये बात सेम है कि अगर 10,000 से कम मेरा विनिंग अमाउंट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ज्यादा मेरा विनिंग अमाउंट है तो मेरा टीडीएस कटेगा, वो भी 30% कट जाएगा। फिर सेक्शन है 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का बात करेगा तो 194C अपने को क्लिक करवाना है ब्रेन में, 194C आ जाना चाहिए जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया में बहुत तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम लोगों ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, मैं तुम लोगों को इतने टाइम तक पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या सारा कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, नहीं, इसके अंदर सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड है, इसके अंदर सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड है। कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सोचो तुम लोगों ने एक कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया है बट उसने भी एक दूसरे आदमी को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो ये हो गया सब कॉन्ट्रैक्ट। हम तुम लोग ने दिया मुझे, तुम लोग मेरे पास आए बोले कि मैम आपसे पढ़ना है, हम बोले नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, या हम तुम लोग ऐसा कुछ नहीं बोले, एक और टीचर से तुम लोग का बात करा दिए, बीच में हम भी अपना पैसा रखते हैं उस टीचिंग अमाउंट में, तो ये हुआ तुम्हारा उस आदमी के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे थ्रू हुआ है, पहले मेरे साथ हुआ है फिर उसके साथ हुआ है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट दोनों आता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को नीचे पढ़ेंगे क्या क्या चीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। पेयर कोई भी हो सकता है, पेई सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए, पेई सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए। रेट कितना होता है, अगर इंडिविजुअल और HUF के साथ तुम लोगों ने डील किया है तो 1%, अगर तुम लोगों ने अदर, अदर मतलब AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कंपनी, कंपनी भी हो गया इसके अंदर, हम लोगों का कंपनी भी आ जाता है, तो अगर इस तरीके का कोई कुछ है
तो 2% का टीडीएस कटेगा अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो 1% का टीडीएस कटेगा। नो टीडीएस अगर पूरे साल में टोटल अमाउंट 1 लाख हो गया है तो टीडीएस कट जाएगा, और अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस कट जाएगा। जैसे सोचो तुम लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है 20,000 का, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है 20,000 का है, टीडीएस नहीं कटेगा। तुम लोगों ने मुझे अभी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 40,000 का, 30,000 से ज्यादा है, टीडीएस कट जाएगा, संग संग कट जाएगा, ये हो गया। पर सोचो तुम लोगों ने मुझे अभी 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, टीडीएस नहीं कटा, फिर 2 महीने बाद और 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फिर नहीं कटा क्योंकि 30,000 से छोटा छोटा का दे रहे हो। फिर तुम लोगों ने मुझे, तो क्या हुआ था, तुम लोगों ने मुझे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया है 20,000 का, ये 30,000 से छोटा है, कोई टीडीएस नहीं कटा। फिर तुम लोगों ने मुझे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट दिया है 30,000 का, ये भी अप टू 30,000 है, हम बोले अप टू 30,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, तो 30,000 का दिया है, कोई टीडीएस नहीं कटा। फिर तुम लोगों ने मुझे थर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया है 25,000 का, ये भी 30,000 से ज्यादा नहीं है, टीडीएस नहीं कटा। तुम लोगों ने मुझे फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट दिया है फिर से 25,000 का, कोई टीडीएस नहीं कटा। फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है इस साल 10,000 का, कोई टीडीएस नहीं कटा। पर सबको अगर जोड़ दे तो 1,10,000, 1 साल में मेरे को टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, 1,10,000 का, टीडीएस कट जाएगा पूरे 1,10,000 पे एक बार में 1%, और अगर एओपी बीओआई का है तो 2%। तो एक एक करके तो नहीं कटा क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी 30,000 से ज्यादा का नहीं था, पर टोटल किया साल के एंड में तो देखा इस आदमी ने 1 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो 1% या 2% उसका टीडीएस कट जाएगा। तो ये देख लेना, 30,000 का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो मत काटना, 2-4 कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो सबको प्लस कर लेना, अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो टीडीएस काट देना। नो टीडीएस इफ इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल पर्पज, अगर पर्सनल पर्पज के लिए तुम लोगों ने कोई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तब टीडीएस नहीं काटा जाता है, याद रहे पर्सनल पर्पज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब सिंपल बात है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ क्या मतलब था, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत प्रकार का होता है, कौन से टाइप का बात कर रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आता है, एडवर्टीजमेंट, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, कहीं पे भी किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसका अमाउंट इससे ज्यादा होता है तो टीडीएस कट जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग, टीवी पे दिखाना, टेलीकास्टिंग, टीवी पे कहीं पे ब्रॉडकास्ट करना, टेलीकास्ट करना। कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर अदर देन इंडियन रेलवे, अगर इंडियन रेलवे से हम कोई सामान भेज रहे हैं, इंडियन रेलवे में भी गुड्स व्हीकल, गुड्स बोगी होता है, अगर वो वाले बोगी से भेज रहे हैं तो अलग बात है, पर अगर कोई और आदमी के थ्रू भेज रहे हैं तो अमाउंट इससे ज्यादा है तो टीडीएस कट जाएगा। कैटरिंग, कैटरिंग मतलब जहाँ कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप इतना रुपया लो मेरे गेस्ट को खिला देना, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी अमाउंट देख लेना। नो टीडीएस इफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर ओन्ड नॉट मोर देन 10 व्हीकल, अगर वैसे किसी ट्रांसपोर्टर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल है तो ही टीडीएस काटेंगे। अगर हम लोग का उसके पास 10 से कम व्हीकल है और फिर उसके साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। पेमेंट बाय क्लाइंट टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी, अगर कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी है जो तुम लोगों का एड किसी और की जगह पे करा देता है, अपना मतलब हम इंटरमीडियरी मीडियरी है, हम तुम लोगों को अपना एड कराना है इस हॉस्पिटल के बाहर तो हम करवा रहे, तुम लोगों को डायरेक्टली नहीं आता है उस हॉस्पिटल के बाहर कराने तो मेरे एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो टीडीएस कटेगा। तो याद रखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट, कैटरिंग, कैरेज बट इंडियन रेलवे का छोड़कर, गुड्स व्हीकल पर 10 से कम होना चाहिए। हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझाए हैं। सोचो एक कंज्यूमर कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है मतलब कंज्यूमर है, ठीक है एक कंपनी हटा दो, कंज्यूमर कंपनी मतलब एक कंपनी भी हो सकता है, जैसे सोचो कि पॉन्ड्स का कंपनी को लक्स को सोचो ऐड करना है, या लैक्मे ले लो, लैक्मे को ऐड करना है, तो कंज्यूमर कौन है, लैक्मे है जो सर्विस ले रहा है और वो एक कंपनी है इसलिए कंज्यूमर कंपनी, कंज्यूमर कंपनी है लैक्मे, लैक्मे को अपना ऐड कराना है तो क्या करेगा, लैक्मे खुद तो टीवी चैनल में ऐड करने नहीं चला जाएगा, उसको एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी लगेगा। तो जब कंज्यूमर कंपनी से एडवर्टीजमेंट एजेंसी पैसा लेगा
तो कंज्यूमर कंपनीज को पैसा देते टाइम टीडीएस काट लेगा और फिर पेमेंट देगा, तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को भी तो टीवी चैनल वालों को पैसा देना पड़ेगा, उस वक्त ये कोई टीडीएस नहीं काटेगा। तो याद रहे, कंज्यूमर कंपनी जब एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास जाता है तब 194C में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का है, ये तो बस इसको काम देता है, तो यहाँ पे 194C में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, अगर गैस का कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो किसी तरीके का टीडीएस का क्या होगा? इफ सेलर सेल्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट्स द गैस टू द बायर, हम लोग सेल भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, दोनों काम है हम लोग का, टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, जहां तक डिलीवरी करना है वहां तक डिलीवरी भी करते हैं और सेल भी करते हैं, इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे को इतना रुपया दे दो हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, पर गैस के केस में वो क्या करता है, गैस के केस में वो मेरे लिए गैस लेता है और मेरे घर तक पहुंचाता है, गैस वो मेरे घर तक भी पहुंचाता है, तो ये कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा है गैस कंपनी के साथ। हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन तो कर रहा है मेरे गैस का, बट स्टिल इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम मुझे सेल करोगे, हर मंथ तुम मुझे गैस पहुंचाओगे, बट इट इज नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई टीडीएस नहीं कटता है, हम लोग जो गैस वाली को गैस का पेमेंट करते हैं तो किसी तरीके का टीडीएस नहीं काटते हैं। कोल्ड स्टोरेज चार्जेस, कोल्ड स्टोरेज मतलब मॉल में हम लोग देखते हैं फिश को या बहुत अलग तरीके की मीट्स को वो लोग स्टोर करते हैं, तो वो लोग एक स्टोर कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज का चार्जेस होता है, विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फॉर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी एज वेल एज स्टोरेज फैसिलिटी, बहुत तरीके का फैसिलिटी मिलता है कोल्ड स्टोरेज चार्जेस में, बहुत सारा चार्जेस होता है, रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि एक छोटा सा फ्रिज तो रहता नहीं है, फुल आइस का रहता है तो बहुत चार्जेस होता है, स्टोरेज फैसिलिटी होता है, शैल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू टीडीएस एज अ कॉन्ट्रैक्ट चार्ज नॉट ऑन रेंट। तो ये वाला जो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम तुम लोगों को रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी देंगे, तुम लोगों को स्टोरेज फैसिलिटी देंगे, ये मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल तक हम लोग तुमको ये देंगे, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसको रेंट नहीं भरते हैं, यहाँ हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोल्ड स्टोर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर टीडीएस कटता है। तो याद रखना कहाँ पे टीडीएस कटेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसके ऊपर 2015 में एक सम आया था, लैंडिंग एंड पैकिंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइंस अथॉरिटी, मतलब एयरलाइंस क्या करता है, लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस पे करता है, आर नॉट मेयरली फॉर द यूज ऑफ लैंड बट इट ऑल्सो फॉर वेरियस अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, हेंस दीज चार्जेस आर लाइबल फॉर टीडीएस। एक्चुअली प्लेन जहाँ पे एयरलाइंस में प्लेन जहाँ पर लैंड करता है, सारा प्लेन एक जगह पे लैंड कर रहा होता है, सारे ब्रांड्स का सारी कंपनीज का, मतलब चाहे इंडियन एयरलाइंस हो या इंडिगो हो या कोई भी ब्रांड हो, तो हम लोग देखते हैं या स्पाइस जेट हो, तो वो सब ही एक लैंड पे अपना पार्किंग लेता है, सभी एक ही जगह पे पार्क कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो लैंड किसी पर्टिकुलर कंपनी का खरीदा हुआ नहीं है, कि स्पाइस जेट अगर वहां पे पार्क कर रहा है तो वो स्पाइस जेट का लैंड खरीदा हुआ है, किसी का लैंड खरीदा हुआ नहीं है, लैंड मेरा है, लैंड मेरा है, हम सबसे चार्जेस लेते हैं, इंडिगो से अलग चार्जेस लेते हैं, स्पाइस जेट से हम अलग चार्जेस लेते हैं, और सबको वहां पे लैंड करने का और पार्किंग, जितना बार लैंड करता है प्लेन और पार्किंग चार्जेस जो पार्क किया हुआ रहता है रात भर या कभी भी, उसका वो चार्जेस देता होगा मेरे को, तो वो क्यों देता है? आर नॉट मेयरली फॉर द यूज ऑफ लैंड बट इज ऑल्सो, और भी बहुत सारे रीजन की वजह से वहां पे प्लेन खड़ा रहता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्किंग और लैंडिंग के लिए खड़ा रहता है, और भी बहुत सारा इश्यूज होता है जिसकी वजह से प्लेन वहां पे खड़ा रहता है। तो बेसिकली समझ के ये रखना है कि प्लेन का लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस वो जो पे करता है वो टीडीएस के लिए लाइबल होता है, क्योंकि ये उसके साथ एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि ठीक है तुम इतने टाइम तक मेरे यहाँ पे लैंड कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। तो ये याद रहे, अगर प्लेन ऐसा करता है, एयरलाइंस उस लैंड पे अपने आपको पार्क या लैंड करता है, तो यहाँ पर जब उसको पेमेंट होगा तो टीडीएस काट कर पेमेंट होगा, ये केस याद रखना है। फिर आता है 194D। डी का मतलब है यहाँ पे दलाल, मेरा मतलब है यहाँ पे ब्रोकर, इंग्लिश में बात करें तो ब्रोकर, डी फॉर दलाल।
इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन, यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी से आता है तो वो हमारे से बोलता है कि आप प्लीज हमसे एक इंश्योरेंस करवा लीजिए। हम लोग बोलते हैं ठीक है करवा लेंगे। तो इसको ना, जब हम लोग 1 लाख का अगर पॉलिसी लिए हैं तो 1 लाख के ऊपर उसको कुछ कमीशन कंपनी की तरफ से मिलता है, वो उसका कमीशन जॉब ही है, वो इतना इंश्योरेंस डालेगा तो उसको इतना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट जो हमारे पास आता है उसे कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। उसे कौन पे करता है कमीशन? डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो जब इंश्योरेंस का एजेंट है तो उसे इंश्योरेंस का कमीशन कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। पे ही कौन होगा? रेसिडेंट पर्सन। जब वो उसे कमीशन देगा, अगर 15,000 से भी ज्यादा कमीशन वो लेता है तो उसका 10% TDS काट लेगा इंश्योरेंस कंपनी, फिर उसको कमीशन देगा। अगर 15,000 से कम उसका कमीशन है, ये सारा फिगर 1 साल का होता है, इसलिए हम बगल में कोई पर मंथ वंथ नहीं लिखते, ये जितना भी फिगर हम लोग तब से पढ़ रहे हैं वो 1 साल का है। अगर 1 साल में उसको 15,000 से ज्यादा कमीशन मिल जाएगा तो ही उसका 10% TDS कट जाएगा। अगर 15,000 से अप टू, मतलब 15,000 तक या 15,000 से कम कमीशन मिलता है तो उसका किसी भी तरीके का TDS नहीं काटा जाएगा। फिर है 194DA। DA का मतलब होता है डेथ आफ्टर। डेथ आफ्टर मतलब जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी, जब भी सोचो हम लोग किसी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि ठीक है आप मुझे ये दे दो, ये आदमी मर जाएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? हम लोग लेते हैं कि कोई मर जाएगा तो इतना पैसा उसको मिल जाएगा। तो सोचो मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था जिसमें मैंने किया था कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाए, ऐसा मैंने एक पॉलिसी ले रखा है। तो ये मेरे मरने के बाद ही उन्हें मिलेगा ये 10 लाख। तो इसलिए डेथ आफ्टर, डेथ आफ्टर मतलब DA। DA मतलब मरने के बाद जो पैसा मिलता है, और ये पैसा सिर्फ हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से ही मिलता है। हम ऐसे समझा रहे हैं कि तुम लोगों को लर्न हो जाए। तो अब मच्योरिटी कब होगा? जब असली में कोई मरेगा। अब अगर कोई मर गया है तो पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, कोई भी मेरे को दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे, कोई भी मेरे को इंश्योरेंस का पैसा लाके दे दे। पर लेने वाला, पेई मतलब पैसा लेने वाला, रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। तो वो 5% TDS काट लेगा। कब काटेगा? जब मच्योरिटी इज लेस देन 1 लाख होगा तब कोई TDS नहीं कटेगा। 1 लाख से भी कम मिल रहा है किसी के मरने पे, क्या TDS कटेगा? तो 1 लाख से भी अगर कम मिल रहा है मेरे को तो कोई TDS नहीं कटेगा। तो डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा रुपया मिल रहा है तो 5% का TDS कट जाएगा। नो TDS इफ मच्योरिटी अमाउंटेड एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-10D। 10-10D देखना, बहुत सारे इंश्योरेंस का कागज साइन करना, तो वो लोग बोलता है कि मैडम आपको जब इसका मच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ना तो आपसे कोई TDS नहीं काटा जाएगा। बहुत बार वो लोग ये मेंशन करता है कि ये वाला अगर आप पॉलिसी ले लोगे तो आपका, मतलब कोई भी अगर फ्यूचर में आप मरता है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, कोई TDS नहीं कटेगा। क्योंकि उस वो वाला जो पॉलिसी हम लोग को देता है ना, वो 10-10D में रजिस्टर्ड रहता है। 10-10D के अंदर रजिस्टर्ड रहता है। 10-10D वाला जो पॉलिसी होता है उसका पैसा जब हमें मिलेगा तो किसी तरीके का TDS नहीं कटेगा। इसलिए जब बोलता है पूरा पेपर पढ़ो, तो पूरा पेपर में नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सेक्शन को ढूंढना। अगर ये सेक्शन ढूंढा है मतलब हमें पूरा पैसा मिल जाएगा, पर अगर ये सेक्शन कहीं लिखा हुआ नहीं है तो जब हमें पैसा मिलेगा तो 5% कम मिलेगा, वो 5% काट लेगा इंश्योरेंस कंपनी, अपने पास नहीं रखेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। TDS इज चार्ज ऑन इनकम। TDS सिर्फ इनकम पे चार्ज होता है। जैसे कि मेरे, हम अभी कितना रुपया दिए, हम बोले आप 2 लाख रुपया लो, इतना हम प्रीमियम भरे हैं, हम प्रीमियम पे किए हैं, इसके ऊपर सम्स आता है। हम 2 लाख प्रीमियम भरे हैं और वो मेरे को बोला अगर आपके यहाँ कोई मर जाता है तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, ये मेरा मच्योरिटी वैल्यू है, इतना रुपया मेरे को मिलेगा। अब सच में कोई मर गया तो मेरे को 10 लाख रुपया मिल गया, पर रियल में मेरा इनकम कितना हुआ है? 10 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख तो हम खुद ही भरे थे, मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिला है? सिर्फ 8 लाख। तो इस पे TDS कटेगा, याद रहे TDS सिर्फ इस पे कटेगा, पूरा 10 लाख पे नहीं कट जाएगा, क्योंकि 2 लाख तो भाई हम खुद दिए थे। तो मेरा इनकम सिर्फ 8 लाख है, हम लोग हड़बड़ हड़बड़ में पूरा 10 लाख पे TDS काट देते हैं। इसलिए हमें क्लियरली लिखवाए हैं TDS इज चार्ज ऑन इनकम, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड। इस पे एक सम्स दो सम्स आया हुआ एग्जाम में।
194E, E से हम लोग समझते हैं एंटरटेनर। अब एंटरटेनर बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ पे कौन से एंटरटेनर के बारे में बात कर रहा है? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर, यहाँ ये सब आते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन पर नॉन रेसिडेंट, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर, ये सब कोई नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। मतलब नॉन रेसिडेंट मतलब जो फॉरेन के लोग आते हैं और हमारे यहाँ मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम मूवीज में आते हैं, जितने भी तरीके के एंटरटेनर है, स्पोर्ट्स पर्सन, पर नॉन रेसिडेंट के ऊपर ये सेक्शन बात कर रहा है। याद रहे, पेयर कोई भी हो सकता है। पेई कौन होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बाहर कंट्री के लोग आते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, तो उन्हें जो पैसा मिलता है उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंटरटेनर का क्या मतलब है? अभी भी एंटरटेनर का मीनिंग क्लियर नहीं है। एंटरटेनर का मतलब है पार्टिसिपेशन इन एनी गेम, एडवर्टीजमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल एक्सेट्रा। मूवीज वाला नहीं, मूवीज वाला एंटरटेनर नहीं जो यहाँ पे गेम खेलता है। एडवर्टीजमेंट में हम लोग जितने सारे फॉरनर्स को देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, जर्नल में देखते हैं, वो सारे लोगों को यहाँ पे एंटरटेनर बोला गया है। तो जितने भी नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर या स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लोग हैं, उन लोगों का इस सेक्शन के अंदर टीडीएस कटता है। पर ज्यादा डिटेल में ये सेक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ इतना ही जानो, रेट ये सब जानने की जरूरत नहीं है। फिर आता है 194G, जी फॉर गैमलिंग। गैमलिंग अब सब समझते हैं, जुआ, दाव दाव करने का गेम, तो इसलिए ये हुआ जुआ, जी फॉर गैमलिंग। यहाँ पे गैमलिंग मतलब क्या? जब हम लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो सामने वाला कमीशन अगर रखता है, ऑब्वियसली रखता होगा। लॉटरी टिकट का कोई सेलर है, वो अगर 10 रुपए के लॉटरी के टिकट को खरीद के लाएगा 10 रुपए में और हमें भी 10 रुपए में बेच देगा, तो वो क्यों बेच रहा है बैठ के? तो डेफिनेटली उसका, वो बेचने वक्त वो कुछ कमीशन रखा है। मतलब 10 रुपया का टिकट हम लोगों को 15 रुपया में बेच रहा है, तो 5 रुपया उसका कमीशन है। तो लॉटरी टिकट बेचने वाला कुछ कमीशन तो हमेशा रखेगा, ऑब्वियस सी बात है। पेयर पेई कोई भी हो सकता है। 5% का टीडीएस कट जाएगा, 5% का टीडीएस कट जाएगा किस चीज के ऊपर? अगर उसका कमीशन 15% से ज्यादा हो चुका है तब टीडीएस कटेगा 5%। अगर उसका कमीशन 15,000 से भी कम है तो उसका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। असेसी वॉज अ लॉटरी टिकट सेलर, एक केस स्टडी जैसा है। सोचो असेसी मतलब हम ही लोग लॉटरी टिकट के सेलर हैं। असेसी वन लॉटरी फ्रॉम अनसोल्ड टिकट। एक्चुअली क्या हुआ था, हम 100 लॉटरी टिकट लेकर आए थे, 95 टिकट बिक गया था, 5 टिकट हम लोग के पास अनसोल्ड था, सेल नहीं कर पाए, पड़ा हुआ था। तो हम लोग क्या किए, उसको खुद ही स्क्रैच करके नंबर देख लिए और हम लोग जीत गए। तो हम लोग खुद ही बेचने वाले आदमी थे, एक सेलर थे और खुद ही जीत भी गए। ही सेड दैट इट वाज प्रोफेशनल इनकम। वो बोल रहे हैं तो मेरा प्रोफेशनल इनकम है, मेरा तो टिकट का बिजनेस है, हम टिकट से कुछ जीते, तो मेरा प्रोफेशनल इनकम है। सो इनकम वॉज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट 30%। तो गैमलिंग के ऊपर हमें पता है, लॉटरी गैमलिंग ये सब के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। इफ इट इज प्रोफेशनल और अदर इनकम डज नॉट मैटर। तुम्हारा प्रोफेशनल इनकम रहे चाहे तुम्हारा अदर इनकम रहे, लॉटरी पे तो क्लियर है 30% का टीडीएस, 30% का तुमको टैक्स देना होगा। तो वो खुद जीता है तो 30% उसको देना ही होगा। लॉटरी के व्यू पॉइंट से ले लो या प्रोफेशनल इनकम के व्यू पॉइंट से ले लो, 30% लॉटरी पे देना होगा। अगर कोई उसको जो कमीशन मिलता है उसके ऊपर का ये 5% है, पर वो खुद जीतता है, तब तो उसको 30% का टीडीएस टैक्स, 30% का टैक्स भरना होगा। है 194H, H फॉर यहाँ पे हाउस, बड़ा ही इजी है। H फॉर हाउस, ये भले बड़ा बड़ा दिख रहा है, G फॉर गैम्बलिंग, H फॉर हॉर्स, ये हाउस, ये E फॉर एंटरटेनर, बहुत इजी है। तो यहाँ पर भी जब भी कोई हाउस भी काम करता है, हाउस का भी परचेज सेल का काम करता है, तो डेफिनेटली वो भी कमीशन और ब्रोकरेज लेता है। ये तो हम लोग डेली लाइफ में ही जानते हैं कि कोई घर का काम करेगा, हाउस का खरीद बेच का कोई काम करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो कमीशन या ब्रोकरेज लेगा। फ्री में क्यों हम लोगों को हेल्प करेगा घर बेचने या खरीदने में? तो पेयर कोई भी हो सकता है, पे ही रेसिडेंट होना चाहिए। अगर टीडीएस कटेगा तो 5% कटेगा। जब वो कमीशन और ब्रोकरेज लेता है, एक साल में अगर वो 15,000 से ज्यादा कमा चुका है कमीशन और ब्रोकरेज से, तो उसका टीडीएस कटेगा।
अगर वो 15,000 तक, अप टू 15,000 तक कमाया है तो उसका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। नो टीडीएस ऑन पेमेंट बाय बीएसएनएल या एमटीएन टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी। बहुत बार क्या होता है, बीएसएनएल और एमटीएनएल ये जो फोन का कंपनी है टेली कम्युनिकेशन का, ये लोग जो जगह ऑफिस का लेता है उसके लिए ये पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी है, ये गवर्नमेंट का है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ये लोग अगर किसी तरीके का फ्रेंचाइजी ऑफिस लेता है तो इसके ऊपर ये लोग अगर ब्रोकरेज या कमीशन देता है तो उससे टीडीएस नहीं काटता है। मतलब अगर सोचो बीएसएनएल ने एक ऑफिस खोला है एक जगह पे, तो सामने वाले को उसने कमीशन दिया होगा, उस कमीशन के ऊपर कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि ये कमीशन उसे बीएसएनएल या एमटीएनएल से मिला है। तो पेमेंट बाई अगर बीएसएनएल या एमटीएनएल है तो कभी भी, और उसने अगर अपने ऑफिस खरीदने के लिए, ऑफिस फ्रेंचाइजी के लिए एक जगह पे बीएसएनएल का ऑफिस खुल रहा है, उसके लिए वो एक आदमी से बात किया कि बीएसएनएल ऑफिस खरीदवा दो, मतलब खरीदवा दो मतलब भाड़ा में दिला दो या खरीदवा दो, जो भी हाउस का काम किया, तो वो उस आदमी को कमीशन दिया, बीएसएनएल का आदमी उस आदमी को कमीशन दिया, उस कमीशन के ऊपर ये लोग टीडीएस कभी नहीं काटेगा। इसके ऊपर एक हम केस स्टडी दिए हैं जो 2012 में आया है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। स्टैम्प वेंडर टेक द स्टैम्प फ्रॉम कोर्ट एट अ लोअर वैल्यू। स्टैम्प वेंडर कौन होता है? देखना, कोर्ट के बाहर स्टैम्प स्टैम्प मिल रहा होता है, तभी तो बोलता है कि बाहर से जाके स्टैम्प खरीद के लाइए। तो स्टैम्प खरीद के लाइए मतलब कोई तो वेंडर होगा, कोई तो उसको बेच रहा होगा। तो एक स्टैम्प वेंडर बैठा हुआ है कोर्ट के बाहर बहुत सारा स्टैम्प लेके, एट अ लोअर वैल्यू एंड गिव इट टू द पीपल एट द वैल्यू इनग्रेव्ड इन द स्टैम्प। मतलब टेक द स्टैम्प फ्रॉम कोर्ट एट अ लोअर वैल्यू, वो कोर्ट से एक एक स्टैम्प को खरीद के लाता है 5 रुपया में और पब्लिक को बेचता है जितना उसमें प्रिंट किया हुआ है। इनग्रेव्ड मतलब जितना उसमें प्रिंट है, स्टैम्प के ऊपर दाम प्रिंट किया हुआ है 15 रुपया, पर वो खुद कोर्ट से खरीद के लाया है 5 रुपया में, लोअर वैल्यू में खरीदा है और हम पब्लिक को उतने में ही बेच रहे हैं जितना उसपे प्रिंट किया हुआ है, मतलब 15 रुपया में, तो 10 रुपया वो कमा रहा है। इट वॉज हेल्ड दैट द मार्जिन ऑफ द स्टैम्प वेंडर आर नॉट देयर कमीशन। ये उसका कमीशन नहीं है, बट वॉज डिस्काउंट गिवेन टू देम बाय द कोर्ट एज द स्टैम्प वेंडर डील ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। तो रियल में कोर्ट स्टैम्प वेंडर को ये डिस्काउंट में दे देता है, कमीशन नहीं कमा रहा है वो। जैसे कि हम लोग स्टैम्प वेंडर हैं, हम लोग कोर्ट के बाहर बेच बैठ कर स्टैम्प बेचते हैं, तो स्टैम्प खरीदेंगे कहाँ से? कोर्ट के अंदर से। तो कोर्ट तो बैठ के स्टैम्प नहीं बेचेगा, बाहर स्टैम्प वेंडर बैठता है, तो कोर्ट से वो 5 रुपया में खरीद के लाता है और स्टैम्प को बेचता है 15 रुपया में क्योंकि उसमें प्रिंट किया हुआ है 15 रुपया। तो ये जो 10 रुपया वो कमा रहा है, यहाँ उसको कमीशन नहीं बोल सकते, पर गैम्बलिंग के टाइम लॉटरी टिकट में उसको कमीशन बोल रहे थे, और स्टैम्प के केस में उसको कमीशन नहीं बोलते क्योंकि कोर्ट का कहना है कि वो कोर्ट का काम को कम कर रहा है। मतलब अगर वो नहीं बेचेगा तो सभी लोग आ जाएगा कोर्ट के अंदर स्टैम्प खरीदने, स्टैम्प हर जन हर दिन खरीदता रहता है तो हर लोग आ जाएगा कोर्ट के अंदर और स्टैम्प खरीदने लगेगा। तो वो कोर्ट का कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस कर रहा है, मतलब हम लोगों के ही जगह पे हम लोग का ही काम हल्का करने के लिए बेच रहा है। तो इसलिए हम नहीं मानते कि वो कमीशन है, हम मानेंगे कि हम लोग उस स्टैम्प वेंडर को डिस्काउंट में सामान देते हैं कि वो उसको 15 रुपए में बेच सके। तो इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटता है क्योंकि कमीशन ही नहीं है, कमीशन नहीं है तो टीडीएस ही नहीं है।